स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, हर एक उम्र में हर एक व्यक्ति चुस्त तंदुरुस्त रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसे कोई बीमारी ना हो, लेकिन क्या करे, बीमारी तो दस्तक दे ही जाती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हम बीमारी को नज़रअंदाज ज़रूर करते हैं। हल्की सी कोई परेशानी होती है, सोचते हैं कि ठीक हो जाएगी, ये ले लेते हैं मेडिसिन या वो ले लेते हैं, तो एक उम्र के बाद समझ में आता है कि अब आपको एक सही उपचार अपनाना चाहिए। हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जो हम बचपन में खाते पीते हैं उसका असर हमें आगे जाके दिखता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा है कि हम अगर पहले से ही अपने खान पान पर ध्यान रखें तो धीरे धीरे करके जब हमारी उम्र बढ़ती है तो वो हमें कहीं ना कहीं सेहतमंद बनाती है? देखिए, ये हमारी जो ग्रोथ की उम्र है जी, वो तकरीबन 20-22 साल तक हमारी ग्रोथ होती रहती है जी। और वाकई इसमें जो खाते हैं वो जिस्म को लगता है। वो गांवों में कहते हैं कि पानी भी पियो तो दूध बन के लगता है इस उम्र में। और फिर आती है वो उम्र जहाँ हमारी नशोनुमा यानी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। अब फिर वो जवानी की उम्र आ गई, आदमी बालिग हो गया, तो फिर ये जो कुछ खाया पिया है ये हमारे जिस्म ने कबूल किया और एक सेहतमंद इंसान को पैदा कर दिया। अब यहाँ से जो उम्र है वो 40 साल तक 35 साल तक सेहत वाली रहती है और खाने पीने का असर हमारे पूरे जिस्म पर पड़ता है, दिमाग पर पड़ता है, हाथ पैरों पर पड़ता है। अब ये उम्र जो आ गई 35-40 साल की, यहाँ फिर ये बीमारियों की उम्र आ गई। अब यहाँ से जिसने एहतियात कर ली तो वो स्वास्थ्य जिंदगी गुजार सकता है। तो इस जीवन में जो 40 साल के बाद का जीवन है, इसमें हर बीमारी आपको दरवाजे पर दस्तक देगी। आप उसका क्या जवाब देते हैं उस बीमारी का? देखिए, ब्लड प्रेशर की उम्र यही है 40-45 के बाद, थायराइड की उम्र भी यहीं से शुरू हो जाती है अक्सर, या उससे पहले भी हो जाता है, डायबिटीज़ की उम्र भी यही है 40-45, किसी को 50 में, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ये सारी उम्र यही है। फिर ब्लड प्रेशर, दिल का मर्ज, ये सब शुरू हो जाएगा। और मेरा अब तजर्बा ऐसा कहता है कि हर शख्स को इन 4-5 बीमारियों में से एक बीमारी ज़रूर आती है, चाहे कोई वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, हकीम ही क्यों ना हो, अगर वो अपना ख्याल रख सकता है तो रखे। और इन 4-5 बीमारियों की रोकथाम के लिए वो करें कोशिश अपना खून पतला रखने की। खून पतला होगा, जिस्म मोटा ना हो यानी हेल्दी ना हो ज़्यादा, और उसमें मेहनत यानी मशक्क़त खूब हो, एक आध घंटा पैदल भी चले। और फिर अब आप अपने आप को जवान ना समझें, हर आदमी चाहता है कि वो अपने आप को जवान ही दिखाता रहे और जवान ही रहे, कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा आता है और हकीमों पर भी आता है। कलौंजी का सिरका 2 चम्मच रोज़ पी लिया करें, 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर, असली कलौंजी का सिरका, और 1 चम्मच धनिया खा लिया करें, धनिया का पाउडर। ये इन 5 बीमारियों से रोकथाम है, 5 या 6, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और फालिज और डायबिटीज़, इन सारे रोगों की रोकथाम है ये। निरोगी लें तो रोग से मुक्त रहें, रोगी लें तो रोग कंट्रोल रह सकता है। ये दुनिया की बड़ी दवा है, असली कलौंजी का सिरका इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल,
तो दर्शकों देखिए, निरोगी हैं या फिर रोगी हैं, आप लोगों के लिए तमाम नुस्खे मौजूद हैं। बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हैं। अब कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं कलकत्ता से सुमित्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। हाँ हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद। हकीम साहब, मैं 5-6 महीने से मैं गोंद चिया खा रही हूँ, अभी मेरा खत्म हो गया है। लेकिन मेरे बीच में काफी ठीक था, कमर में दर्द और टांग में जो आता था नहीं आता था। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, लास्ट महीना जब खत्म हुआ गोंद चिया, तब से मेरे थोड़ा दर्द रहता है टांग में भी और पाँव में मेरे दर्द रहता है अभी भी। तो मैं क्या करूँ इसके लिए? मैंने 5 महीने खाया है और एक समय खाया है 1 महीना, टोटल 6 महीने मैंने खा लिया है। ठीक है। अच्छा देखिए, कभी कभी ये दर्द होगा आपको, जब भी आप वजन उठाएंगे, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं करेंगे, तब आपको बार बार ये हो सकता है। अगर इत्तफाकन हो जाए तो दर्द की दवा ले लेना, और अगर ये मुस्तकिल हो तो कौन सा इलाज है इसका, और आधा आधा ग्राम इसकी खुराक है, एक बार या दो बार ले सकते हैं। वेट ज़्यादा है तो बार बार आपको परेशानी होगी, तो वेट कम करने की भी आप दवा ले सकते हैं। और ज़िंदगी में कई बार ये आपको परेशान करेगा, आपका इसका तजर्बा हो गया, जब भी ज़रूरत हो आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। राना हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। जी बताइए। सारी आवाज जी आ रही है आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम इमराना, बताइए। मुझे है ना, जस्ट जैसे दस्त का थोड़ा बहुत झाड़ वगैरह का काम करते हैं ना, एलर्जी होती है, छींक आने लग जाती है, फिर जुकाम हो जाता है। कितनी उम्र है इमराना आपकी? 25। अच्छा बच्चा, देखिए ये मरज जिसको होता है उसमें कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी की कमी होती है, और अगर इसका इलाज 5-6 महीने किया जाए तो फ़ायदा मुमकिन है, बशर्ते कि आप खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें भी छोड़ दें इलाज के दौरान। तो उसका इलाज मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिए, अगर आपके पास कलम है और कॉपी है तो आपके बड़ा काम आएगी। देखिए, सपिस्तान एक दवा है जिसको आसान जबान में लिसोड़ा कहते हैं, यानी लिसोड़ा 100 ग्राम और उन्नाव 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। उन्नाव की गुठली निकाल कर फेंकनी पड़ेगी, और इसमें 30 ग्राम पीपलें जो हमारे किचन के गर्म मसालों में पाई जाती हैं, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, पीपले, इसमें 30 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। अब ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुझे से कहते हैं, गर्म पानी या गर्म गर्म चाय के साथ आप सुबह निहार मुख खाएं, और रात को सोते वक्त 1-1 चम्मच इसका छोटा चाय का चम्मच भर के खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन 6-7 महीने लगातार लेनी होगी, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दे, बिल्कुल ना खाएं, तो फायदा मुमकिन है जी। बिहार से हैं प्रवीण कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर, सवाल कर लीजिए। सवाल, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो मेरे को ऊपर सांस की प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं कुछ दवाई के लिए सोचती हूं। समझे नहीं बच्चा, हम तो क्या कह रहे हैं, आपकी आवाजें बहुत आ रही है आपके यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे को ऊपर सांस की प्रॉब्लम है, इसके लिए दवाई। सांस की प्रॉब्लम है सर? जी जी जी। उम्र बता दीजिए। अच्छा, उम्र मेरे 21-22 होगा। ओह, बहुत कम उम्र में सांस की प्रॉब्लम, इसका मतलब है फेफड़े कमज़ोर हैं। तो मैं देखिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, ये सीटियाँ आ रही हैं, ये
आपको परेशान ना करें लिखने में, नुस्खा सही लिखें। और ये एक नुस्खा बहुत अच्छा है, अगर आप लिख लें अच्छे से, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद लें और 30 ग्राम पीप लें जो हमारे किचन में गरम मसालों में पाई जाती है, इन सब को पाउडर बना लें। उन्नाव की गुठली निकाल के पहले फेंक देना, कभी उस समेत ना पीसें, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी से या चाय से यूज़ किया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, आपको आराम आ सकता है। वाराणसी से अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। जय हिंद, स्वागत है आपका वाराणसी वालों। आपको ठंडी का मौसम आने लगा है जी, तो ठंडी लगती है तो लोग कहते हैं थोड़ा सा अजवाइन खा लीजिए या चाय में अजवाइन डाल के पी लीजिए तो इसकी ठंडी कम हो जाती है, तो ये खाना जरूरी है कि ठंडी कम लगे जी? हाँ, देखिए अजवाइन गर्म मिजाज की है और ठंड को कम करती है, काफ़ी गर्म होती है। और एक आता है अजवाइन का सत्व, तो इतना गर्म होता है, फिटकरी जैसा होता है, अजवाइन का सत कहते हैं, इतना गर्म होता है कि अगर स्किन पे लगा लो तो स्किन जल जाती है, फिटकरी जैसा दिखता है, नमक जैसा। तो दो चुटकी कम से कम खा सकते हैं, बगैर रोक के भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ खा सकते हैं, दो चुटकी अजवाइन बस काफ़ी है। अगर किसी को ज़्यादा ठंड लग रही हो तो इसे खाने से बेहतरी हो सकती है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, सत्यवती जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद सत्यवती जी, आपका स्वागत है। मेरे दो तीन सवाल हैं जी। एक तो मेरा 6 साल का लड़की का लड़का है, वो अकड़ाता है, अटक लागती है, बोलता वैसे साफ बोलता है पर अटक लागती है। और दूसरा सवाल है जी, मैंने आपसे गोन मोरिंगा और गोन श्यामगा थार्म खा रही हूँ, 1-2 महीने हो जाएंगे ये पहली टाइम को फिर, लेकिन मेरा दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं बहुत दर्द सहन कर रही हूँ, पर आपकी बातों पर विश्वास है कि खाते रहो आराम लगेगा, खाते रहो। फिर आपकी टीम से एक भाई ने फोन किया था जहाँ से दवाई मंगाई थी, ये कैप्सूल जरूर मंगवा लो जी आप, जब आराम लगेगा। मैं हकीम साहब से बात करवा दू, मैं उससे पूछ कर मंगवाऊंगा। तो बोला नहीं वहाँ पता ना करियो, हम उससे बात करो, मैं भेज रहा हूँ। मकाना भाई भेजिए मुन्ना। अच्छा, दर्द दर्द कहाँ पर ज्यादा हुआ है आपको? उल्ला मोस जीतागढ़ी के नीचे नीचे, और सारे पैर सुन हो गया है, हाथ भी मैं माला करती हूँ ना परमात्मा की माला करती हूँ, उसमें जो वजन होता है जब भी सुन हो गया है। और तीसरा सवाल है मेरा कि मैं आपको भगवान भी मानती हूँ, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरी संख्या का समाधान कीजिए, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मार, शंकर का दादा कौन है, हमको देवता। आप भगवान के समान मानते हैं मैं आपको, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं टीवी के आगे नहीं बैठी हूँ, मैं दूर बैठी हूँ दूसरे कमरे में। ठीक है, अब आप टीवी के आगे बैठ जाइए, आवाज बढ़ा लीजिए, और आप एक देवी के समान है और भगवान की बहुत पसंदीदा महिला हैं, और जिसको भगवान ज़्यादा पसंद करता है उसे आजमाता भी ज़्यादा है। आपका दर्द बढ़ गया है, दवा से ही बढ़ा है, और दर्द की दवा के साथ आप लें ये गौनस्याही लें, और उससे भी तेज़ जो वो लोग कह रहे हैं कैप्सूल वो भी ले सकते हैं। बस 2-3 बातों का ख्याल रखें, वेस्टर्न टॉयलेट अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय तो ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत मेहनती है तो मेहनत कम कर दें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और 1 महीना और कम से कम इलाज करें। दर्द किसी किसी को 100 में 1-2 लोगों को दर्द बढ़ के कम होता है, और जिन लोगों को दर्द बढ़ जाता है वो बहुत शिकायत करते हैं, आप तो
शिकायत भी नहीं कर रहे, आप बहुत ही संयम वाली महिला हैं, बस 4-5 दिन दर्द की दवा के साथ आप ये दवा लें तो फायदा होना मुमकिन है। जी, 6 साल का एक बच्चा है जो हकलाता है। हाँ, उस बच्चे को काली मिर्च पीस कर रख लीजिए, खूब बारीक पाउडर, और आधी चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हनी यानी शहद में मिलाकर रोज़ाना एक बार ज़रूर खिला दिया करें, बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। जी।